सो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने RR310 का रियर ब्रेक पैडल ब्रेक होने से बच सकते हैं। Friends, welcome back to channel and thanks for tuning back to my channel. Hope you guys are enjoying the vlogs of my Taste of North India ride. So friends, do let me know in comment section that आप लोगों को Taste of North India के vlog कैसे लग रहे हैं। वैसे तो ये vlog shoot करने की मेरी कोई इच्छा तो नहीं थी, but मुझे याद आया very first year मेरे subscriber ने मुझे comment की थी problem face कर रहे थे, so I just thought अगर in case आपके पास भी RR310 है और आप bike चलाए तो और आपके साथ ये incident हो जाता है, इसको कैसे अवॉइड करें, आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट आई शेयर विथ माय सब्सक्राइबर्स। देयर इज वन रीजन बाय रिलीजिंग दिस वीडियो इन बिटवीन ऑफ नॉर्थ इंडिया राइड, बिकॉज जो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ मेरे साथ हुई व्हेन आई वाज राइडिंग फ्रॉम उदयपुर टू कुंभलगढ़। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देख लिया, रोड्स फ्रॉम उदयपुर टू कुंभलगढ़ बहुत घटिया थे, बहुत ख़राब रोड थे, विलेज के अंदर अंदर के रोड्स थे, तो बहुत जगह पे पॉटहोल्स बने थे। उस टाइम मुझे एक प्रॉब्लम फेस हुआ बाइक के ऊपर और वो सेम प्रॉब्लम मुझे रिपोर्ट किया गया था मेरे सब्सक्राइबर्स ने ऑफ द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माय बाइक। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस हुआ था। द प्रॉब्लम इज़ दैट RR310 का जो रियर ब्रेक पैडल जो है वो ब्रेक हो जाता है। कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ कैसे ब्रेक हो जाता है। Of the images of the broken brake pedal. These all images has been forwarded to my subscribers to me on very first year. जिन जिनके पास first batch थी, जैसे मेरी bike जो है first batch हमारा 310 है, वैसे जिन जिनके पास first batch थी RR310 की, उन सबको ये problem face हुआ। Exactly same problem मेरे साथ भी face हुआ। So इस video में आपको दिखा दूंगा ये problem avoid कैसे करते हैं। मेरे bike के ऊपर भी rear brake pedal जो total jam हो चुका था, हिल ही नहीं रहा था। सो इन दैट केस अगर मैं और प्रेशर दे देता ब्रेक पैडल को तो टूट जाता था, अगर वो टूट जाता तो मेरी नॉर्थ इंडिया राइड की लग जाती थी। रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, यार डॉक्टर के स्कूल आया हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग को शूट करने के लिए, सो आई जस्ट थॉट यहीं पे बैठे बैठे व्लॉग शूट कर ले, सॉरी। सो वो इंसिडेंट अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये आपको इस व्लॉग के आगे देखने मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट दिस व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों तो देख लिया आई रीच टू कुंभलगढ़ राजस्थान, आते हुए देख लिया बहुत सारे खड्डे थे, बहुत सारे पॉटहोल्स थे, बिकॉज ऑफ दैट एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई, लेट मी शो यू। सो ये रही अपनी बाइक, ये रही अपनी फेवरेट टूल किट चेन लूप। जब भी मैं आ रहा था तो ये जो रियर का जो ब्रेक है वो लग ही नहीं रहा था, एकदम अटक गया था उसकी जगह पे, पीछे का ब्रेक टोटली जाम हो गया था। मेन प्रॉब्लम वहाँ पे सिलेंडर असेंबली, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। ये जो लीवर है ये जो यहाँ पे लग रहा था आप देख सकते हो, लेट मी जूम इट, वहाँ पे पूरे स्क्रैचेस आ गए, वहाँ पे अटक रहा था वो चीज़, वो थी ये चीज़ ये। सो ये जो अंदर की तरफ का जो रॉड है वो 8 नंबर के एलन की से खुलता है। सो 8 नंबर के एलन की से मैंने उसको वापस टाइट कर लिया, ये लूज हो गया था, ये जो मोशन था कुछ हो नहीं रहा था। अभी आप देख सकते हो प्रॉपरली ये ब्रेक एंगेज हो रहा है, तो ये जो एरिया वहाँ पे उसको लूप भी कर दिया। सो इन केस ऑन राइडिंग आप ये ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हो तो यू मस्ट ऑलवेज हैव दिस टूल किट, उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस में भी बता दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये चीज़ ओपन करने के लिए पहले आपको ये फाइबर का जो प्लेटिंग है वो ओपन करनी पड़ती है यहाँ से, और उसके बाद इस असेंबली के ये और ये दो 6 नंबर के स्क्रू रिमूव करने पड़ते हैं, उसके बाद ये पूरा एरिया बाहर आ जाता है। देन यू हैव टू रीटाइट दिस स्क्रू, लेट मी जूम इट, ये 8 नंबर की एलन की से टाइट हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि भी बहुत सारे यूजर के इन फर्स्ट ईयर ऑफ RR310 बहुत सारे लोगों का ये जो ब्रेक लीवर है वो डायरेक्टली यहाँ से टूट जाता है, बिकॉज ये यहाँ पे अटक जाता है, ये चीज़ बाहर आ जाती है और बिकॉज ऑफ दैट वो यहाँ पे लगने को चालू होती है। तो यहाँ पे जोर से अटकने के बाद नॉर्मल राइडर्स को इतनी आइडिया नहीं आते तो जोर से दबा देता है, तो इसका जोर का इम्पैक्ट यहाँ पे आने के बाद ये जो लीवर यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले जब मैं आ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे के रियर ब्रेक में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एंगेज नहीं हो रहा था। पहले तो इसके पहले तो लूज़ हो गया, उसके बाद डायरेक्टली टाइट हो गया। तो व्हाट आई हैव डन, लास्ट 30 किलोमीटर्स आई राइड द बाइक ओनली ऑन फ्रंट ब्रेक,
और उसके बाद यहाँ पे आके ये पार्ट रिमूव करके प्रॉपरली लूप कर दिया है। द रीजन फॉर मेकिंग दिस व्लॉग, व्हाइल यू ऑन राइडिंग ऐसे प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, सो इफ यू हैव टूल किट आप ये सब प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर सकते हो, नो नीड टू कॉल RSA। सो ये असेंबली लग गई है वापस, ये पोर्शन था वो फर्स्ट रिमूव करना पड़ता है फाइबर, एक स्क्रू यहाँ पे है, दूसरा एक स्क्रू यहाँ पे, तो ये पोर्शन पूरा निकल जाएगा। और उसके बाद ये और ये दो एलन के रिमूव कर दीजिए, तो ये पूरा यूनिट है बाहर की तरफ आ जाएगा। और उसके बाद आपको लेट मी शो यू, वो वाला अंदर वाला जो पार्ट है वो बाहर की तरफ मूव हो जाता है आफ्टर यूजिंग, तो उसको एलन के से अंदर की तरफ लेना है। तो उसके बाद अपना ब्रेक परफेक्टली काम करने लगा है, ये देख लीजिए आप, ये बाइक चला के देख लूँगा। सो ये जो लीवर था वो ऐसे नीचे आ नहीं रहा था, इधर ही अटक रहा था, इधर ही उसके एंगल में नीचे नहीं आ रहा था, ऊपर नहीं आ रहा था, तो टोटली जाम हो चुका था। सो अब ये परफेक्टली काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो काम तो अपना पूरा हो चुका है बाइक का। सो इफ एनी हैव यू गाइस लाइक दिस वीडियो तो लाइक बटन दबा दो, अच्छा लगेगा हमें यार, क्योंकि आई ऑलवेज प्रीफर टू शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियो विद माय व्लॉग। सो इफ यू गाइस वांट यू कैन सब्सक्राइब आल्सो। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। सॉरी गंदे हाथ है, आई विल नॉट क्लोज इन दिस वे, बाय बाय। जैसे कि आपने देख लिया वीडियो में, बाइक बहुत गंदी हो चुकी थी। सो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सो हमने की बाइक को कम्प्लीटली वॉश बाय सेल्फ। सो उससे कुछ इमेजेस आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे यार सागर भाई बाइक बहुत गंदी थी। सो लेट मी शो यू द सम ऑफ द इमेजेस ऑफ ब्यूटी।